वेलकम टू लर्निंग ट्रेजर। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन इंग्लिश, अंग्रेजी में अपना परिचय कैसे दें। कोई आपको हिंदी में अपना परिचय देने के लिए बोले तो आप बहुत आसानी से दे देंगे, लेकिन बात आकर अटक जाती है अंग्रेजी में परिचय देने के लिए। तो दोस्तों, समझने की बात यह है, यहाँ पर परिचय देना प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर प्रॉब्लम है इंग्लिश। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद इंग्लिश में भी इंट्रोडक्शन देना आपके लिए होगा बहुत ही आसान, क्योंकि इस वीडियो में हम कवर करेंगे स्टेप बाय स्टेप बहुत सारे फ्रेजेस जिन्हें फ्रेशर और एक्सपीरियंस्ड अपने इंट्रोडक्शन में यूज़ कर सकते हैं। आपको जो भी फ्रेजेस इजी लगती हैं, बोलने में कंफर्टेबल लगती हैं, आप उन्हीं फ्रेजेस को यूज़ कर सकते हैं और एक आसान सा और अच्छा सा इंट्रोडक्शन तैयार कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। परिचय स्टार्ट करने पर सबसे पहली चीज़ जो आप बोलते हैं वो है ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग्स का मतलब होता है विश करना। ये दो तरह की होती हैं, फॉर्मल ग्रीटिंग्स और इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स। अगर आप किसी फॉर्मल मीटिंग में हैं, फॉर एग्जांपल इंटरव्यू या बिजनेस मीटिंग, तो आप फॉर्मल ग्रीटिंग्स का यूज़ कर सकते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग। इन तीनों का यूज़ आप टाइम के अकॉर्डिंग करेंगे और गुड नाइट का यूज़ आप नहीं कर सकते हैं ग्रीटिंग्स के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है इनफॉर्मल ग्रीटिंग, जो कि आप पार्टीज या पर्सनल मीटिंग में जाते हैं तो यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल हे, हाय, हेलो एंड हाउडी। ग्रीटिंग्स के बाद आप सभी लोगों को बोलेंगे धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने आपको मौका दिया है अपने आप को इंट्रोड्यूस करने का। तो धन्यवाद बोलने की जो भी फ्रेजेस हैं उन्हें आप रट सकते हैं और इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। फर्स्ट वन है थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। जो सेकंड वन है हमारी बहुत हम्बल है, इसमें आप थैंक यू से पहले लगाते हैं आई वुड लाइक टू से थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। सो ये दोनों फ्रेजेस बहुत ही इजी हैं, इसमें से आपको जो भी कंफर्टेबल लगे उसे याद कर लीजिए। एक और फ्रेज जो है आप यूज़ कर सकते हैं, लेट मी स्टार्ट बाई टेकिंग दिस अपॉर्चुनिटी टू थैंक यू फॉर मेकिंग टाइम फॉर मी। तो इन तीनों में से जो भी फ्रेज आप यूज़ करेंगे उस फ्रेज का बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट जाता है सामने वाले पर, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में थैंक यू, सॉरी, ये सभी वर्ड्स बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। ग्रीटिंग्स हो गई, थैंक यू हो गया, अब आप बताएंगे अपना नाम। नाम बताने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं माई नेम इज़, और उसके बाद आप अपना बताएंगे पूरा नाम, माई नेम इज़ सैम पॉल। अनदर वे टू से योर नेम इज़ आई एम कियारा गांधी। और एक और तरीका है जिसमें आप बोल सकते हैं यू कैन कॉल मी बॉब, जैक। कभी भी आप माई सेल्फ यूज़ नहीं करेंगे, माई सेल्फ जो है ग्रामेटिकली रोंग। नाम के बाद आप बताएंगे लोकेशन, आप किस जगह से हैं, और इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं फ्रेज आई एम फ्रॉम और उसके बाद सिटी नेम, फॉर एग्जांपल आई एम फ्रॉम जयपुर। आई एम फ्रॉम के अलावा आप यूज़ कर सकते हैं आई केम फ्रॉम एंड देन योर सिटी नेम। अब थोड़ा एडवांस इंग्लिश में अगर आप बोलना चाहते हैं तो आप बोलेंगे आई वॉज बॉर्न एंड रेज्ड इन, और फिर आपका सिटी नेम है। अब जहाँ पर आप पैदा हुए हैं लेकिन बड़े वहाँ पर नहीं हुए हैं, तो इसके लिए आप कौन सी फ्रेज यूज़ करेंगे, आई वॉज बॉर्न इन जयपुर बट रेज्ड इन चंडीगढ़। एक और तरीका है आई वॉज ग्रू अप इन जयपुर बट नाउ आई लिव इन चंडीगढ़। और सबसे एडवांस फ्रेज जो आप यूज़ कर सकते हो वो है आई एम ओरिजिनली फ्रॉम जयपुर बट नाउ आई एम बेस्ड इन चंडीगढ़। नेक्स्ट हम बताएंगे अपनी जॉब के बारे में कि हम क्या करते हैं और किस पोजीशन पे हैं और किस कंपनी में हैं, आप ये भी इंक्लूड कर सकते हैं। बट सबसे पहले हम करेंगे सबसे इजी वे बताने का कि हम क्या करते हैं, इसके लिए आप यूज़ करेंगे आई एम और उसके बाद आपका जो भी ऑक्यूपेशन है उसे ऐड कर देंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप बोलेंगे आई एम अ स्टूडेंट, और उसके बाद यहाँ साइड में सारे ऑप्शन दिए हुए हैं जैसे आई एम हाउसवाइफ, आई एम बैंकर, आई एम शॉपकीपर, तो आप जो भी हैं इसमें से उस ऑप्शन को पिक कर सकते हैं और आई एम के साथ जोड़ के बता सकते हैं। अब ये तो हुई सिंपल सी फ्रेज़ की मैं क्या हूँ, अब नेक्स्ट आने वाली फ्रेजेस थोड़ी सी एडवांस हैं जिसमें हम कवर करेंगे थोड़ी एक्स्ट्रा डिटेल अपनी कंपनी और अपनी पोजीशन के बारे में। फॉर एग्जांपल अगर आप अपनी कंपनी का नाम बताना चाहते हो तो आप बोलोगे आई वर्क एट और फिर कंपनी नेम, आई वर्क एट सैमसंग। और अगर आप अपनी पोजीशन में बताना चाहते हो तो आप बोलेंगे आई वर्क एज और फिर पोजीशन और फिर कंपनी नेम, आई वर्क एज मार्केटिंग मैनेजर एट सैमसंग। और अगर आप सिर्फ जनरल बताना चाहते हो कि मैं क्या करता हूँ लेकिन थोड़ी सी एडवांस इंग्लिश का यूज़ करना चाहते हो तो आप बोलोगे आई वर्क इन सेल्स, या फिर आप जनरल पोजीशन भी बता सकते हो आई वर्क एज एन अकाउंटेंट।
नेक्स्ट हम डिटेल कवर करेंगे क्वालिफिकेशन के बारे में। इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट फ्रेजेस का हम यूज़ करते हैं, जैसे कि अभी आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई है तो आप बोलेंगे आई एम परसुइंग बैचलर ऑफ कॉमर्स या फिर आई एम परसुइंग मास्टर ऑफ कॉमर्स। और अगर आपकी डिग्री पूरी होने ही वाली है, कुछ ही दिन बाकी है, तो आप बोल सकते हैं आई एम अबाउट टू ग्रेजुएट और यू कैन से आई एम अबाउट टू पोस्ट ग्रेजुएट। नेक्स्ट आप ग्रेजुएशन की डिटेल देने से पहले उसमें एक सब्जेक्ट भी ऐड कर सकते हैं कि आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री किस में है। फॉर एग्जांपल आई एम अ फाइनेंस ग्रेजुएट और आई एम अ मार्केटिंग ग्रेजुएट। और इसी चीज़ को दूसरे तरीके से आप कैसे बोलेंगे आई हैव अ बैचलर ऑफ कॉमर्स डिग्री या आई हैव अ बैचलर ऑफ आर्ट डिग्री। अब यदि आपने कोई डिग्री नहीं ली है लेकिन कोई कोर्स कर रहे हैं तो उसे हम बोल सकते हैं आई एम करंटली टेकिंग अ कोर्स इन और फिर सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल आई एम करंटली टेकिंग अ कोर्स इन कंप्यूटर्स। क्वालिफिकेशन के बाद आप बताएंगे एक्सपीरियंस के बारे में। अगर आपको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो आप बोलेंगे आई एम अ फ्रेशर। अगर एक्सपीरियंस है तो उसे बताने के लिए आप फ्रेज का यूज़ कर सकते हैं आई हैव। उसके बाद आप नंबर्स बताएंगे कि कितने नंबर्स हैं और फिर ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन और फील्ड बताएंगे कि किस फील्ड में है। फॉर एग्जांपल मार्केटिंग फाइनेंस। लेट्स सी एन एग्जांपल आई हैव 7 years ऑफ एक्सपीरियंस इन मार्केटिंग। और इसी फ्रेज को आप दूसरे तरीके से बोल सकते हैं I have 3 years of sales experience। यहाँ पे हम जो हमारा फील्ड है सेल्स उसे हम एक्सपीरियंस से पहले ले आए हैं। अनदर वे टू से इज आई हैव वर्कड इन और उसके बाद अपना फील्ड बताएंगे और फिर ईयर्स बताएंगे। ईयर्स को सबसे बाद में ले जाएंगे आई हैव वर्कड इन अकाउंटिंग फॉर 8 years। जो भी फ्रेज आपको ईजी लगती है बोलने में कंफर्टेबल लगती है आप उसी फ्रेज को उठाकर अपने इंट्रोडक्शन में ऐड कर सकते हैं। तो एक्सपीरियंस के बाद अब हम बताएंगे अपनी पर्सनैलिटी के बारे में। हमें अपनी पर्सनैलिटी को एज अ स्ट्रेंथ दिखाना है, कभी भी वीकनेस नहीं बनने देना है, तो हमेशा पॉजिटिव पर्सनैलिटी के बारे में बात करेंगे। तो पॉजिटिव पर्सनैलिटी के लिए आप फ्रेज यूज़ कर सकते हैं आई एम पैशनेट अबाउट वर्क, मतलब कि मुझे अपना काम बहुत ही पसंद है। आई एम हाईली ऑर्गेनाइज्ड और यू कैन से आई एम एन एक्सीलेंट कम्युनिकेटर और यू कैन से आई एम एम्बिशियस। और ये साइड में काफ़ी सारी चीज़ें दी हुई हैं, आप आई एम के बाद इसे यूज़ करके कोई भी जो भी आपको अच्छी लगती है उसका मतलब समझ के उसे अपनी इंट्रोडक्शन में यूज़ कर सकते हैं। पर्सनैलिटी के बाद आप बताएंगे अपनी फैमिली के बारे में। और फैमिली में आपको बताना है कि आई लिव अ न्यूक्लियर और अ जॉइंट फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली मतलब सिर्फ आपके पेरेंट्स और आप, और जॉइंट फैमिली में आपकी एक्सटेंडेड फैमिली होती है जैसे कि दादा दादी चाचा चाची एक्सेट्रा। और उसके बाद आप मेंबर बता सकते हैं। और याद रखिएगा मेंबर्स बताने के लिए आप कभी भी नहीं बोलेंगे वी आर फोर इन आवर फैमिली, दिस इज़ ग्रामेटिकली रॉन्ग। आप यूज़ कर सकते हैं देर आर फोर ऑफ अस इन माई फैमिली और यू कैन से आई एम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ फोर। नेक्स्ट हम बताएंगे अपनी हॉबीज़ के बारे में। और एक टिप यहाँ पर आपके लिए है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी जॉब इंटरव्यू में अपनी इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो अपनी हॉबीज़ को उसी तरह से बताइएगा जिस तरह से जॉब प्रोफाइल की रिक्वायरमेंट हो। फॉर एग्जांपल अगर आपके जॉब प्रोफाइल, आपकी जॉब एक मार्केटिंग में है और उसमें ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है तो आप बोल सकते हैं आई लाइक टू ट्रेवल। तो इस तरह से जो इंटरव्यूअर है उसके दिमाग में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जाता है कि जो हमारी जॉब की रिक्वायरमेंट्स है वही इस इंसान की हॉबी है, तो इसे ये बहुत अच्छी तरह से निभा लेगा। और अदरवाइज़ वैसे अगर आपको हॉबीज़ बतानी है तो आप किस तरह से बता सकते हैं, आप फ्रेज यूज़ कर सकते हैं आई लाइक टू और उसके बाद जो भी वर्ब है उसे। फॉर एग्जांपल आई लाइक टू प्ले बास्केटबॉल, आई लाइक टू डांस, आई लाइक टू ट्रेवल, वर्ब मतलब जो भी आपको करना पसंद है। और इसी को दूसरे तरीके से कैसे बता सकते हैं आई लाइक, फिर हम वर्ब यूज़ करेंगे और फिर आई एन जी। फॉर एग्जाम्पल आई लाइक प्लेइंग बास्केटबॉल, आई लाइक डांसिंग, आई लाइक ट्रैवलिंग एक्सेट्रा। तो यहाँ पर ख़त्म होता है हमारा इंट्रोडक्शन। जैसे ही आपने इंट्रोडक्शन ख़त्म कर दिया आपको बोलना है दैट्स ऑल अबाउट मी। और इसके बाद एक बार फिर से आप अगर चाहें तो थैंक यू बोल सकते हैं और आप फ्रेज का यूज़ कर सकते हैं थैंक्स अगेन फॉर दिस अपॉर्चुनिटी एंड लिसनिंग टू मी पेशेंटली, मतलब कि एक बार फिर से धन्यवाद आपका कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी और धैर्यपूर्वक मुझे सुना।
अब जो आपको अपने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ये है कुछ सैम्पल, ये है सैम्पल ऑफ इंट्रोडक्शन फॉर फ्रेशर और नेक्स्ट स्लाइड में है सैम्पल ऑफ इंट्रोडक्शन फॉर एक्सपीरियंस्ड। यू कैन टेक स्क्रीन शॉट और जब भी आप अपने इंट्रोडक्शन को लिखेंगे तो इससे आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह से आप अपने इंट्रोडक्शन बना सकते हैं। आपको जितनी भी फ्रेजेस बताई हैं उन सभी फ्रेजेस को कंबाइन करके आप एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन अपना तैयार कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसे ही दूसरे वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।